हिंदू सेना ने एक बार फिर दिल्ली में पोस्टर लगाए हैं। हिंदू सेना ने संसद मार्ग पर यूसीसी के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में यूसीसी का विरोध कर राजनीतिक दलों को निशाने पर लिया गया है। पोस्टर में साफ तौर पर लिखा गया है, जो भी राजनीतिक दल यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं वह देश विरोधी और हिंदू विरोधी हैं। यूसीसी देश की जरूरत है। देश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बारे में लिखा गया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए सहयोगी प्रिया फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। प्रिया, लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक तरफ हिंदू सेना आक्रामक दिख रही है, संसद मार्ग पर भी अब पोस्टर जारी कर दिया गया है और साफ तौर पर लिख दिया गया है कि जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेगा वो देश विरोधी है, हिंदू विरोधी है। तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। जी, आपको बता दें, तमाम राजनीति चल रही है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी उस पर कर रहे हैं। जहाँ कांग्रेस उसका समर्थन नहीं कर रही, वहीं आम आदमी पार्टी भी उसका समर्थन करती है, आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अब संसद भवन के आसपास तमाम यूसीसी को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं हिंदू सेना के द्वारा। साथ ही उसमें लिखा हुआ है कि जो भी पार्टी या लोग यूसीसी का विरोध करते हैं वो हिंदू विरोधी है, और ये सब को लेकर उन्होंने चारों तरफ पोस्टर लगा दिए, जिसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। साथ ही जो अब मध्य प्रदेश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री पहुंचे थे, वहां पे भी यूसीसी को लेकर चर्चा हुई थी और वहां पे भी यूसीसी को लेकर लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है। तो लगातार इस पे जो यूसीसी कानून आने वाला है उस पर लगातार राजनीति चल रही है। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने जब समर्थन दिया तो कांग्रेस ने उसका समर्थन नहीं दिया, तो अब इस पे कल मंथन भी हुआ था कांग्रेस में यूसीसी को लेकर, बैठक भी रखी गई थी जिसपे यूसीसी में मंथन भी हुआ था। साथ ही अब देखना होगा कि आगे जिस तरीके से हिंदू सेना आगे आई है और पोस्टर लगा रही है, क्या अब कांग्रेस भी इसके समर्थन में आएगी, क्योंकि लगातार कई पार्टियां जो इसके समर्थन में उतर गई है। देखिए, एक तरफ जहां आप बात कर रहे हैं कि कई पार्टियां हैं जो यूसीसी के समर्थन में हैं, एक तरफ अगर हम बात कर ले अखिलेश यादव की, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जमीनी स्तर पर बीजेपी ने काम नहीं किया है, चुनाव के वक्त उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड का याद आया है। अब इसे किस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि विपक्ष जहां एक तरफ एकजुट है, क्या लगता है सभी एक ही बोली बोलेंगे या फिर बोली में अंतर हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने यूसीसी का समर्थन किया, उस तरीके से हो सकता है कि कई पार्टियां इसका समर्थन भी करें और कई पार्टियां इसका विरोध भी करें। वहीं अखिलेश यादव ने भी इसका विरोध किया है, वही कांग्रेस ने भी कहा था कि ये चुनावी मुद्दा है, कि जो चुनाव आने वाले हैं उस दौरान बीजेपी इसका चुनावी मुद्दा लेकर आई है। हर बार चुनाव आते हैं तो इस तरीके से कई मुद्दे वो लेकर आती है, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे वो मंदिर को लेकर हो, इस तरीके से कई मुद्दे बीजेपी अक्सर लेकर आती रहती है चुनाव से पहले, तो ये भी चुनावी मुद्दा कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। जी, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। इस खबर से जुड़ी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में अब पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रही है हिंदू सेना। संसद मार्ग पर पोस्टर जारी कर साफ तौर पर लिख दिया है कि जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेगा वो देश विरोधी है, हिंदू विरोधी है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। अखिलेश ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जमीनी स्तर पर काम नहीं किया गया है। अगर बीजेपी के लोग रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि बीजेपी वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कॉमन सिविल, तो ये जो बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि इन्हें बेरोजगारी, महंगाई और जो 10 साल और लखनऊ की सरकार के काम जमीन पे है ही नहीं, और अगर जमीन पर काम होते तो ऐसे नहीं ला। हमारे लिए कॉमन सबसे बड़ी चीज है संविधान, हमें अधिकार देता है, क्या संविधान नहीं पढ़ा इन्होंने? और फिर अगर इस तरह की बात करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने राष्ट्रवाद के ऊपर किताब लिखी है, उनसे बड़ा कवि, साहित्यकार, उनसे बड़ा जिस व्यक्ति का स्टेटस रहा हो दुनिया में, नोबेल प्राइज हो, उसको जरा पढ़ लें बीजेपी के लोग, उसके पन्ने पलटें जरा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है,
अगर वो पन्ना पढ़ लेंगे तो बीजेपी वाले हो सकता है आपके सामने यूसीसी की बात ही न करें।